मैं मसूद और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ईद के मौके पर रिलीज हुई भाईजान की फिल्म भारत ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और फिल्म को फैंस का ढेर सारा प्यार मिला है। लिहाजा फिल्म अब तक 200 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ भाईजान को दर्शकों ने खुले दिल से ईदी दी है, वहीं दूसरी ओर कोई और भी है जिसने इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सलमान को टक्कर देने वाले और कोई नहीं बल्कि हॉलीवुड के थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ हैं, जिन्होंने अपने मैन इन ब्लैक अवतार से सिनेमाघरों में खूब जलवा बिखेर दिया है। क्रिस हेम्सवर्थ और एमा थॉम्पसन स्टार और इस फिल्म ने अब तक भारत में अपनी शुरुआती हफ्ते में ही 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है, वो भी तब जब सिनेमाघरों में सलमान की भारत ने धूम मचा रखी है। मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को करीब 3.40 करोड़ रुपीस और शनिवार को 4.20 करोड़ रुपीस और रविवार को 3.30 करोड़ रुपीस का कारोबार कर लिया है, जिसके बाद फिल्म ने अब तक कुल मिलाकर 10.90 करोड़ रुपीस कमाई करी है। यानी रविवार को इंग्लैंड में चल रहे ICC विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच के बावजूद फिल्म अपने पहले वीकेंड में अच्छी कमाई करने में सफल रही है, जिसने तापसी पन्नू की फिल्म गेम ओवर का भी गेम ओवर कर दिया है, जो अपने रिलीज के तीसरे दिन में महज 4.95 करोड़ रुपीस की कमाई करने में ही कामयाब हो पाई है। आपको बता दें कि मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल अपनी पिछली त्रिकोणीय श्रृंखला उसी यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1997 में इस सीरीज की पहली फिल्म मैन इन ब्लैक आई थी, जिसमें विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स मुख्य किरदारों में नजर आए थे। इस फिल्म की बेहतरीन कहानी, एक्शन, ड्रामा और इमोशन ही इस फिल्म का हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, जिसके चलते इतने सालों से इस सीरीज की फिल्मों को फैंस का भरपूर प्यार मिलता रहा है। फिल्म की लीडिंग लेडी एमा थॉम्पसन एजेंट ओ के रूप में अपने किरदार में वापसी करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हेम्सवर्थ और टेसा थॉम्पसन फिल्म में नए एजेंट के अवतार में एलियंस से निपटते दिखाई दे रहे हैं। आपको पता हो कि इस फिल्म ने 14 जून को भारत में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के हिंदी वर्जन में गली बॉय स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने क्रिस हेम्सवर्थ के किरदार को अपनी आवाज दी है, तो वहीं स्थानीय अभिनेत्री टेसा थॉम्पसन के किरदार को अपनी आवाज देकर जादू बिखेर रही है। ऑल इन ऑल फिल्म को दर्शकों ने दोनों हाथों से स्वीकार किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि फिल्म कुल मिलाकर कितने करोड़ का कारोबार कर लेती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।